गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज रहे हैं 6:40। इस वक्त मैं वेंटो में हूँ वैभवी के साथ में। वैभवी को मैंने बोला कि हम थाने जा रहे हैं, मुझे थाने जाना है। थाने गाइस मैं जा रहा हूँ आटा लेने के लिए। अभी आप सोच रहे कि मैं पवई में रहता हूँ, थाने जा रहा हूँ जो कि तकरीबन 20 किलोमीटर है मेरे घर से। झींगा अच्छा का 12 किलोमीटर जाता झींगा खाने, शौकीन आदमी। तो हो सकता है मुझे कुछ ज़्यादा आटा लेना होगा, 10, 20, 25, 30 किलो। बट हम जा रहे हैं केवल 5 किलो आटा लेने के लिए। तो ये थी मेरी बहन की रिक्वायरमेंट, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ आटा लेने के लिए। उसके बाद जो है रोहन को भी मिलने का प्लान है कलवा में, थोड़ी देर उसे भी मिल लेंगे इतना दूर जा रहे हैं तो। एंड रिटर्न में बिरयानी लेते हुए घर रिटर्न आ जाएंगे, वैभवी को ड्रॉप कर दूंगा। तो वो है बात, वैभवी को मैंने बोला कि आज व्लॉग बनाऊंगा और ये ब्लॉग मैं डेडिकेट कर रहा हूँ दिभाषी जी को, जो मेरे सब्सक्राइबर है। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे कि डेली ब्लॉग बनाइए। तो डेली ब्लॉग थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आज का ये ब्लॉग आपके नाम। तो वैभव ही तो है जो मेकअप ज़्यादा ही करके आई है। चलिए सिग्नल खुल रहा है, मिलता हूँ आपको। तो गाइस बहुत दिनों से जो है गाड़ी में मैं कहीं गया नहीं। जो लास्ट व्लॉग आपने देखा था हेडलाइट चेंज करने वाला, बस तभी मैंने कार निकाली थी। रोड ही दिखाओ आप, मैं तो डार्क ही दिखूंगा क्योंकि लाइट लो लाइट है, तो आप भी रोड का थोड़ा मज़ा लें। तो आज बहुत दिनों के बाद कार निकाली है थोड़ा दूर जाने के लिए। एंड जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कुछ प्लान है, एक तो आटा लेना है थाने से, फिर आगे मैं रोहन को मिलूंगा और रिटर्न आते वक्त पप्पा के लिए बिरयानी ले लूँगा, वो बात है। और आज जो मैंने व्लॉग डाला गाइज, उसके ऊपर प्यार दिखाने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू। कोशिश यही है कि आपके लिए मैं हफ्ते में एक वीडियो तो डालूँ कम से कम, जब तक मैं बिजनेस ट्रिप्स में नहीं जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों से महीनों से बिजनेस ट्रिप्स मेरी ड्यू है। जिनको नहीं पता, आपको शायद मैंने कभी बताया नहीं है कि मैं किस बिज़नेस में हूँ, क्योंकि मैं उस बिज़नेस का जिक्र यहाँ नहीं करना चाहता और ये पर्सनल ब्लॉग का जिक्र मैं अपने बिज़नेस में नहीं करता। सो दैट इज़ द थिंग। बट जब बिज़नेस स्टार्ट होगा तब आपको पता चलेगा धीरे धीरे व्हाट बिज़नेस आई एम इनटू, वो बात है। फिलहाल हम पहुँच रहे हैं पवई हीरानंदानी और जल्द ही एक दो ट्रिप है ड्यू लंबी पहले जैसी। तो अभी तो क्या है, यूट्यूब का एक्सपीरियंस आ गया है। यूट्यूब का माने कैसे शूट किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, स्टोरी कैसे बताई जाती है जो आपके साथ आप देखते हो शूट करते हो। तो जब ट्रिप पे जाऊंगा तो वो सारी चीज़ें हेल्प होंगी और इसी के लिए डेली ब्लॉग भी, मतलब डेली नहीं, ये ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग भी मैं डाल रहा हूँ ताकि वो ब्लॉग बनाने की आदत जो है वो छूट ना जाए जब तक कि मैं ट्रिप पे नहीं जाता। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, कहीं मैं ट्रिप पे गया था लंबा, आई थिंक डैड के साथ मैंने एक पर्सनल ट्रिप की, उसका जिक्र तो मैंने यूट्यूब पे किया ही नहीं। बट मैंने सोचा था अच्छा ब्लॉग बनाऊंगा, सतारा गया था, कोल्हापुर गया था पापा के साथ में, रोहन के ही विलेज में, और पापा के कुछ रिलेटिव्स को भी मिलने। लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं रही, तो वो बात है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बड़ी ट्रिप करूँ अगली बार और ब्लॉग ही नहीं बना पाऊँ, वो बात है। तो चलिए गाइज, मिलता हूँ आपको बीच में, अगर रास्ते में कुछ मुझे किस्सा याद आता है शेयर करने लायक, जैसे कि ब्लॉग तो काफ़ी छोटा होगा तो कुछ आज आपसे बातचीत भी हो जाएगी, नहीं तो सीधा मिलता हूँ थाने में। एंटर हो चुके हैं, जस्ट अभी मुलुंड का टोल मैंने क्रॉस किया। यहाँ तक आप देख सकते हैं 22.3 का माइलेज दिया है वेंटो ने। सो नॉट अ बैड माइलेज, इट्स अ वेरी गुड माइलेज। और
एक चीज़ जस्ट मुझे याद आ रही थी, जैसे मैंने आपको कहा कुछ किस्सा याद आ जाएगा तो मैं बताऊँगा। और ये मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था मेरे घर पे दूरदर्शन ही आया करता था, और डीडी मेट्रो, दूरदर्शन डीडी वन एंड डीडी टू, मतलब डीडी मेट्रो, तो उसमें एक शो आता था टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट के बाद ना, टर्निंग पॉइंट में होस्ट थे गिरीश कर्नाड, जो वैभवी के स्टेट के ही हैं कर्नाटक का। तो उसके बाद जो शो आता था वो था फोर व्हीलर से रिलेटेड, ड्राइविंग से रिलेटेड, उसमें बताते थे हाउ टू ड्राइव सेफ एंड एवरीथिंग। तब वहाँ पे वो शो देखते हुए मुझे वो टिप उन्होंने दी थी, वो याद आई कि जब आप कार ड्राइव करते हो तो स्टीयरिंग आपको कितना दूर रखना चाहिए। पता नहीं मैं ठीक से आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना, धुंधला धुंधला आपको दिख रहा होगा। तो स्टीयरिंग उन्होंने बताया था कि आपके वन हैंड डिस्टेंस पे होना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने पकड़ा हुआ है वन हैंड डिस्टेंस पे। और उन्होंने रीज़न ये दिया था कि जब गाड़ी का फ्रंट कोलिजन होता है तो जो स्टीयरिंग कॉलम आ जाता है तकरीबन आधा फीट अंदर आ जाता है या एक फीट अंदर आ जाता है। सो दैट इज़ अ रीज़न, अगर आप एक हाथ के दूरी पे रखते हो दैट कैन सेव यू फ्रॉम यू नो गेटिंग रिब्स फ्रैक्चर्ड और इंजर्ड। तो वो थी बात, मैंने सोचा आपको याद दिलाओ, मुझे भी सडनली याद है, तो वो बात थी। अब देखिए थाने, ये है तीन हाथ नाका, और यहाँ से मैं लूँगा अभी राइट, बल्कि राइट नहीं, यू टर्न लेना है मुझे, और आनंद थिएटर के तरफ जाना है। थाने स्टेशन ईस्ट में जाना है, हम थाने वेस्ट में हैं, तो ईस्ट में जाएंगे, वहाँ आटे की दुकान से आटा खरीदेंगे। सेवन इलेवन पहुँच गया हूँ थाने, आता हूँ मैं। तो ये है शॉप जय गणेश फ्लोर मिल, यहीं आना था मुझे, ये ले लेते हैं। दादा 7 किलो लोकन आटा। अब जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, संडे है इसलिए जो है भीड़ नहीं होती, नहीं तो यहाँ पे पूरा रास्ता जो होता है ट्रैफिक होता है। अब गाड़ी मैंने थोड़ी दूर लगाई है और एसी मैंने जानबूझ के ऑन किया था ताकि थोड़ा सा जो ह्यूमिडिटी हो जाएगी, अभी पसीना आएगा, वो क्लीन हो जाए। चलिए फिर मिलता हूँ गाड़ी में आपको। आ गया 7:20:21 पर, गाड़ी में सब फॉग फॉग हो गया है क्योंकि मुझे लगा मैंने एसी ऑन कर दिया है बट ये ऑफ था, इन्होंने भी ऑन नहीं किया, वही समझा रहा था गाड़ी पार्किंग में फॉग हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी और नॉक करके पूछे क्या चल रहा है अंदर। मुंबई की पुलिस है भाई, इंडिया की तकलीफ होती है ये सब मामलों में। चलिए अब इसको मैक्स पे कर देता हूँ मैं, और देखिए कितने सेकंड में ये क्लीन कर देगा। देखिए पूरा हट चुका है, तो यहाँ से निकलते अब कलवा के लिए, रोहन को जाके मिलते हैं। तो 7:45 पहुँच गए हैं रोहन के बिल्डिंग के बाहर, थोड़ा मोबाइल क्लीन नहीं है शायद कैमरा, तो यहीं पे मैं सीखता था कार फोर व्हीलर ड्राइव करना। अब फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं रोहन को। तो देखिए रोहन मिल चुका है, मैं खुश नसीब हूँ कि रोहन का पैर मैं व्लॉग में ले रहा हूँ। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, अच्छा कर रहा है, यही होता है रोहन का, वीडियो पे आना नहीं चाहता है, पर ठीक है मिलता हूँ, बातचीत हो रही है रोहन के साथ, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो रोहन ने एक प्लेस सजेस्ट की है कुछ खाने के लिए, कहाँ जा रहे रोहन हम लोग, कहाँ लेके जा रहे हो आप? भाई को खाने की इच्छा थी, नहीं जेन्युइनली उसी को खाने की इच्छा थी, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं उसके ऊपर बिल फाड़ रहा हूँ तो। अब उसके बहाने जो है फिर मुझे कुछ चखने मिल जाएगा। बातचीत हो रही है मेरे पिछले वाले वीडियो पर जहाँ पे मैंने बोला था कि MSK ने वो पार्ट डिलीट कर दिया है, रोहन का कहना है कि नहीं उसका पार्ट है, तो अभी हम चैलेंज लगा रहे हैं यहाँ पानी पूरी का, जो भी होगा वैसे भी मैं ही दूंगा लेकिन आज हक से दूंगा। चलो खोलिए, ये लो ये वाला है, यही है ड्रग्स के चक्कर में पुलिस ने रोका। हाँ चलो प्ले करो।
किधर है भाई, कोई किधर है? हाँ तुम सबूत हो देखो, मैं दिखाता हूँ ना, तू दिखाने से मतलब रखता। हाँ मेरे को देखना है ना कहाँ पे। हाँ तो दिखा, मेरा कहना है कि डिलीट कर दिया है MSK ने। दे भाई ये सब मैं डायरेक्ट शूट नहीं कर सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। तो अभी थोड़ा भाई का टी शर्ट ही मैं ले सकता हूँ, चेहरा भी नहीं ले सकता। हो गया खत्म हो गया। क्या हुआ? दिखा रहा हूँ ना। काश गाइस मैं आपको चेहरा दिखा सकता इस वक्त। देखो भेजूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो चलिए गाइस ये हो गया पार्ट। अभी वैभवी जो है दही पूरी खाएगी, मैं उसमें एक आध दो ले लूँगा, फिर हम लोग पानी पूरी के लिए भी वहाँ पे चले जाएंगे। तो गाइस अभी एक मिनट ये आपको फोकस दे देता हूँ। रोहन जो है हेल्प कर रहा है गाड़ी का जो सीट बेल्ट वाला नीचे का बक्कल होता है वो निकालने में। तो यही है मेरे गुरु जिन्होंने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया था, और उनकी मैं मदद ले रहा हूँ। नहीं तो अभी भी तुम्हारा भाई किसी गैराज पे ही जाता, सीट खुलवाता और उसे निकलवाता। तो ये नीचे वाला जो बक्कल था वही निकालना है मुझे, ऊपर वाला उन्होंने दिया था। बट नाउ लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट, ये सब करेंगे या फिर निकलेंगे थोड़ी देर में यहाँ से। और हमारे भाई नहीं है, गुरुदेव ने मेरे निकाल लिया। और काम हो गया है। और भाई ये क्या है स्ट्रैप? ये डाल दे अंदर, ये बीच वाले सीट का भी रहेगा एक। अच्छा नहीं उसका तो ऊपर भी नहीं है ना। ग्रेट गाइस, एक साल बाद मैंने ये दोनों निकलवा लिए अपने अंडर सीट से। थैंक्स रोहन, अब वैभव भी बैठ सकती है, नव्या भी है अभी वो सीट बेल्ट लगा के बैठ सकती है, नव्या उसके गांव में आंध्रा में। ग्रेट थैंक यू भाई। लू क्या वीडियो पे इसी खुशी में? नहीं ठीक है। सो 927 गाइस, आ चुका हूँ विक्रोली टैगोर नगर। वहाँ पे जाना है बिरयानी लेने, पहुँचते हैं वहाँ पे, आपको फोकस नहीं मिल रहा है। तो ये है आज का टिक्का बिरयानी 80, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 10 रोटी बांध रहे हैं ना। बैंकेट हॉल ठीक उसी के सामने है ये, और हो रही मेरी कार दिखेगी नहीं ऑब्वियसली। तो बिरयानी ले चुका हूँ, अभी यहाँ से वैभव को ड्रॉप करना है। बिरयानी तो मैंने वहीं दिखा दी ना, अब वैभव को ड्रॉप करना है उसके पीजी पर, वहाँ से फिर मैं चलता हूँ घर। और एक बार ड्रॉप कर दें वैभव को तो वहाँ ब्लॉग एंड कर देंगे। 9:31, तो अभी डीजल भरने रुका था गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो रिजर्व तक आ गई थी। वैसे 137939 गाड़ी चली है, अब डीजल भरेंगे, वैभव ही है अभी, उसे ड्रॉप करेंगे और निकलते हैं फिर। 9:41 हो रहा है। ओके गाइस, सो 9:59 PM है वैभव के पीजी के बाहर। तो ये रही वैभव की शक्ल आफ्टर 3-4 आवर्स, मेकअप सारा उतर गया मेरे ख्याल से जो भी था। ऑलराइट, तो यहाँ पे गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं। ये ब्लॉग था देबाशीष जी के लिए डेडिकेटेड,
डेली ब्लॉग बनाने की उनकी फरमाइश थी, तो आज कोशिश की है मैंने। हालांकि ये चैनल जो है पर्पज़ ये है कि वहाँ पे मैं जो अपनी ट्रिप्स है, ड्राइव्स है, उसके कंटेंट डालूँ, बट कोशिश करूँगा कि जब ट्रिप्स पे नहीं जा रहा हूँ तो इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ आपको बना के अपलोड करके दिखाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को चेकआउट करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंसिडर करें सब्सक्राइब करना। यदि कोई सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हो किसी प्रीवियस वीडियो के बारे में, इस वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट्स का जवाब दूँ। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।